कोई लड़की आई थी यहाँ 9 लाख का हार बेचने? नहीं तो तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तू झूठ बोल रहा है ना? रसिया से जो झूठ बोलता है ना, वो फिर कुछ बोलने लायक नहीं रहता, समझे? अब तू अपनी होशियारी छोड़ दे और चुपचाप मुझे बता, कौन सी वो लड़की, कहाँ रहती है? भगवान, अरे इन औरतों को क्या हो गया है? एक पहले बंदूक दिखा रही थी और ये गला पकड़ ली है। देखिए, छोड़िए मेरे को, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि वो अभी थोड़े दिन पहले यहाँ आई है, इसी बस्ती में रह रही है बस। चूहे और बिल्ली का खेल अब शुरू हो चुका है शहर। रसिया तो भूसे के ढेर में से भी सुई ढूंढ कर निकाल सकती है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भैया, मैं जानता था तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैं कल से आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं, मुझे अभी निकलना होगा। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। तुम ठीक हो ना भैया? तुम यहां क्या कर रही हो? आज तुम्हारा निकाह हुआ, तुम्हें दूल्हे के साथ होना चाहिए था। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहां फैज है ना, तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे दिल का क्या? मेरा निकाह आपसे होने वाला था, मेरे दूल्हे आप थे, और वो कुर्ता आपके लिए था। मैंने आपको कबूल किया था, वो आप है जिससे मैंने प्यार किया और करती हूँ।
आया भाईजान, आया भाईजान। और कौन? और कौन? आई लव हर, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, मैं यहां तक कि उससे निकाह करना चाहता हूं। निकाह मुकम्मल हुआ। आमीन आमीन। ये नहीं हो सकता, तुम्हारा निकाह हो गया, अब हम साथ नहीं हो सकते। मैं नहीं मानती इस निकाह को। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह के लिए ऐसा मत कहिए, प्लीज कुछ कीजिए। हमें कुछ नहीं कर सकता हया, तुम फैज की बीवी हो, तुमसे वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते। अब यही सच है, हमें इसी के साथ जीना होगा। प्लीज ये निकाह मत तोड़ो, प्लीज फैज का दिल मत तोड़ो, प्लीज। और मेरे दिल का क्या? हया मैं जानता हूं तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन प्लीज प्लीज फैज को एक मौका दो। मेरा यकीन करो, फैज तुमसे इतना प्यार करता जितना मैं चाहकर भी तुमसे नहीं कर पाऊंगा। आप अपने भाई का दिल नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप मेरा दिल तोड़ सकते हैं। हया प्लीज इसे मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। अभी भी ये सब सिर्फ आपके बारे में है ना? अपने भाई का सोच सकते हैं लेकिन मेरा नहीं। आप तीन लोगों का दिल तोड़ रहे हैं रात, मेरा, अपना और फैज का। आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। है प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अगर किस्मत हमें इस मोड़ पर लेके आई है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्या कहूं जिससे तुम्हें ये साबित कर सकूं, लेकिन प्लीज प्लीज आया फैज का दिल मत तोड़ो, प्लीज ये निकाह मत तोड़ो, प्लीज आया। आप इस तरह भाग नहीं सकते, आपने भाई का फर्ज तो निभा दिया लेकिन अभी मोहब्बत का फर्ज निभाना बाकी है। नहीं आया, मैं पूरे निकाह के दौरान यहाँ पे था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज मुझे यहाँ रुकने के लिए मत कहो। आप अभी नहीं जा सकते, आपने भाई का फर्ज तो निभा दिया लेकिन अभी मोहब्बत का फर्ज निभाना बाकी है। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन मुझे आपसे मोहब्बत हुई थी, और अगर आप फैज को मेरा नसीब बनाना चाहते हैं तो आपको खुद मेरा हाथ उसके हाथ में देना होगा। ख्याल रखना। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।